نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نمبر 1 إسلامي تاريخ مدينة میں حضور صلى الله عليه وسلم کا استقبال قبا دن قيام کر رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة طيبة ہو گئے जब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने का इल्म हुआ तो ख़ुशी में सब के सब बाहर निकल आए और सड़क के किनारे खड़े हो गए सारा मदीना अल्लाह अकबर किनारों से गूंज उठा अंसार की बच्चियाँ खुशी के आलम में ये अशार पढ़ रही थीं तर्जुमा वदा पहाड़ की घाटियों से चौदवी का चाँद निकल आया है लिहाजा जब तक दुनिया में अल्लाह के लिए दावत देने वाला बाकी रहेगा उसका शिक्र हम पर वाजिब रहेगा बनु नजार की लड़कियां दफ़ बजा बजा कर गा रही थीं नहन जवार बनी नजारी या हबः मुहमद मिन जारी तर्जुमा हम खानदान नजार की लड़कियां हैं महमद सल्ह वसलम क्या ही अच्छे पड़ोस होंगे हज़रत अनस बिन मालिक रजी फरमे हैं कि मैंने कोई दिन इससे ज्यादा हसन और रौशन नहीं देखा जिस दिन हजूर सलील वसम हमारे यहाँ मदीना तशरीफ लाए नंबर दो अल्लाह के कुदरत पत्थरों में अल्लाह की निशानी अल्लाह त बनाई हुई ये कायनात बड़ी रंग बिरंगी है हर चीज़ को अल्लाह तोखा रंग दिया है जिससे उसकी खूबसूरती और पहचान होती है यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने पत्थरों को भी एक ऐसा रंग और चमक अता की है जिसमें काले लाल हरे और सफ़ेद किस्म किस्म के पत्थर पैदा किए हैं जिसको हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं ज़रा गौर कीजिए कि यह किसकी कारीगरी है ज़मीन के नीचे छुपी हुई इन पत्थरों की चट्टानों को ये रंग यह चमक और यह खूबसूरती किसने दी है यकीनन यह अल्लाह की क़ुदरत है जिसने ये रंग भरी कायनात बनाई है नंबर तीन एक फ़र्ज़ के बारे में औरतों पर रोज़ों की क़़ा करना हज़रत आयशा रजील्हा फ़रमाती है कि रसूल सल्ला वसलम के ज़माने में जब हम लोगों को माहवारी आती और उसकी वजह से नमाज रोज़ा कुछ नहीं कर सकते तो हमें उन दिनों के क़ा रोज़ों को रखने का हुक्म दिया जाता था और कज़ा नमाजें पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जाता था मुस्लिम सेवन हंड्रेड सिक्सटी थ्री नंबर चार एक सुनत के बारे में अतर लगाना सुन्नत है हज़रत आयशा रजील से मालूम किया गया कि रसूल सल्हसर लगाया करते थे उन्होंने फरमाया हाँ मश्क वगैरह की उम्दा खुशबू लगाया करते थे नसाई फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड नाइनटीन नंबर पाँच एक अहम अमल की फजीलत ललित में इबादत करना रसूल सल्ह वसम ने फरमाया जो शख्स क़दर में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा होगा तो उसके अगले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे बुखारी हदीस थरी सेवन अन अबी अन्हु नंबर छः एक गुनाह के बारे में के अमल से दुनिया तलब करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स आखिरत के किसी अमल से दुनिया चाहता है उसके चेहरे पर फिटकार होती है उसका जिक्र मिटा दिया जाता है और उसका नाम दो में लिख दिया जाता है तिबरानी कबीर हदीस टू थाउजेंड एटी फाइव अनिलजार हूँ नंबर सात दुनिया के बारे में इसतगना इंसान को महबूब बना देता है एक शख़्स ने रसूल सल्ला सल वसलम से अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल सल्ला वम मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूँ ताकि अल्लाह और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे तो रसूल अल्लाह सल्ह वसम ने फ़रमाया दुनिया से मुँह मोड़ लो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और जो लोगों के पास है यानी माल और दौलत उससे बेरुखी इख्तियार कर लो तो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे इब्न माजा हदीस फ़ोर थाउजेंड वन हंड्रेड टू अन सहल बिन साद रज़ील नंबर आठ आखरत के बारे में अहले जहन्नम की फरियाद कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है दोजख़ी फरियाद करते हुए कहेंगे ए हमारे परवरदिगार हमें इस जहन्नम से निकाल कर दुनिया में भेज दीजिए फिर अगर दोबारा हम ऐसे गुनाह करें तो हम ही कसूरवार और सज़ा के मुस्तक होंगे अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम इसी जहन्नम में फिटकारे हुए पड़े रहो और मुझसे बात मत करो सूरह ममिन आयत वन एंड वन नंबर नौ तब नबी से इलाज सिरके के फ़वाद रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है मुस्लिम हदीस 5350 अन आयशा रजी अल्लाह फ़ायदा सिरका के बारे में मुहदसिन हजरात कहते हैं कि यह तली के बढ़ने को रोकता है जिसम में वरम नहीं होने देता खाने को हजम करता है खून को साफ करता है फोड़े फूसियों को दूर करता है अलाजुलनबू नंबर दस कुरान की नसीहत कुरान में अल्लाह फरमाता है تُمْ فِقْرُ فَاقَةٍ كِي وَجَسِي أَبْنِي أُولَادْ قَتَلْنَا هَمْ أُنْكُ بِهِ رُوزِي دَيْتَهِيْنَا أَرْ تُمْكُ سورة إسرائيل آية 31 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين